आउटलेट पर होगा, आपके सारे फिजिक्स के स्टूडेंट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, कह रहा है कि ये प्रत्यूष है, उसने क्या किया, सल्फर पाउडर लिया स्पैचुला पे और उसको हीट किया, और उस टाइम वहां से जो गैस इवोल्व हो रही है उसने एक टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करके उसमें उस गैस को मो कर लिया। जैसे देखिए इस फिगर में हमें दिखा रखा है ये बर्नर है, यहाँ पे स्पैचुला में उसने सल्फर पाउडर लिया और ये आपके टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट कर रखा है, जो भी गैस यहाँ से रिलीज हुई उसने इस टेस्ट ट्यूब में उसको कलेक्ट कर लिया। देन हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस। अब गैस का क्या एक्शन होगा, किस पे, ड्राई लिटमस पेपर पे और मॉइस्ट लिटमस पेपर पे। देन कह रहा है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो पहले हम बात करेंगे सेकेंड ऑप्शन की, कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है जिससे आपको पता चले कि क्या गैस रिलीज हुई है। ओके, तो अगर बी पार्ट की बात करें तो देखिए आपका सल्फर पाउडर लिया गया है, सल्फर क्या है, सॉलिड। देन एटमॉस्फेयर में आपके को क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। तो जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 गैस मिली, ये आपकी रिएक्शन हो गई। अब आपको देखना है कि SO2 गैस लिटमस पेपर पे क्या एक्शन देगी। सबसे पहली बात, आपकी जो SO2 गैस है वो ड्राई लिटमस पेपर पे तो कोई भी एक्शन नहीं देने वाली है, ठीक है। बट जो आपका मॉइस्ट लिटमस पेपर है वहां पे क्या होगा कि SO2 गैस जो है वो क्या करती है, मॉइस्ट लिटमस पेपर का मतलब है वहां पे आपके पास वाटर भी प्रेजेंट है, तो SO2 गैस जब वाटर के कॉन्टेक्ट में आती है तो ये यहाँ पे क्या बना लेती है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, और आपको नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, एसिड। और एसिड जो है वो लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, टर्न रेड, लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा, जो कि हमें स्पेसिफाई करता है कि वो क्या थी, एसिड था। एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगर आपको नहीं पता कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ कॉन्टेक्ट में आके एसिड बनाता है तो इसलिए रेड कलर टर्न कर रहा है। दूसरा, आपको पता है कि सल्फर हमारा क्या है, नॉन मेटल है, इतना तो हमें पता ही है, हमारे पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग सल्फर नॉन मेटल है, और नॉन SO2 क्या है, सल्फर का ऑक्साइड है। नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। तो फिर चाहे वो एसिड बने या उसका ऑक्साइड एसिडिक है तो वो लिटमस पेपर को कैस में कन्वर्ट करेगा, रेड में। कभी भी आपका ड्राई लिटमस पेपर वर्क नहीं करेगा, ड्राई लिटमस पेपर तब वर्क करेगा या तो अगर आप सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं तब तो ड्राई लिटमस पेपर आपका काम कर जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन में पानी है, या फिर जैसे गैसेस हैं, गैसेस में पानी नहीं होता तो आपको मॉइस्ट लिटमस पेपर लेना होगा, वो तब काम करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस केस में कैसा लिटमस पेपर वर्क करेगा। ओके,